शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बाप के सामने सिगरेट पीते हुए? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे लॉकी। ओह कम ऑन डैड, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या हो गया आपके लिए? तो कोई प्रॉब्लम है? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत एक एक्सरे करवा के ले आओ, जल्दी मैं देखूंगा। तुरंत कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को। जी डॉक्टर साहब, आपने जो एक्सरे मांगा था वो मेरे बेटे को। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बेटा रॉकी सिगरेट पीता था क्या? जी वो पीता तो था। तभी मैं कहूं फेफड़ा तो पूरा सड़ चुका है। अच्छा तुमने कभी मना नहीं किया उसको? जी वो आप देख सकते हैं कि रॉकी को लंग कैंसर डायग्नोज हुआ है। ये एक दिन की बात तो है नहीं, इसकी शुरुआत काफी पहले हो गई होगी। चलिए देखते हैं 5 साल पहले हुआ क्या था। बेटा रॉकी हाँ तू क्या हुआ? बेटा सुन जा, चुन्ना जी के यहाँ से एक पैकेट सिगरेट ले जा। क्या डैड, क्यों इतना सिगरेट पीते हो? जितना कहा जाए उतना कर, समझा? जा। तो हमने भी नहीं देता कोई मुझे, पैसे लाओ पैसे। हाँ रखें, ठीक है चले जाओ। हाँ पार्टी में आ जाएंगे कल, हाँ पता है। अच्छा बेटे को, अरे उस नालायक को कहाँ साथ में लेके घूमते रहे? डैड सकता हूँ। डैड रिजल्ट आया डैड, 96%। इसी के लिए मैंने तुझे इतना दिन पढ़ाया था, 96%। बेटा सुन ले मेरी यात्री वार्निंग, सुन ले, अगले एग्जाम में अगर तुझे 98% से 1% भी कम आया तो भूल जाना कि तेरा कोई बाप नहीं। क्यों डैड इस पर लगे रहते हैं हमेशा?
और इस तरह से आपने देखा कि रॉकी को सिगरेट की आदत उसके घर में ही लगी थी। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों के सामने या फिर कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी सिगरेट या तंबाकू के किसी भी रूप का सेवन नहीं करें। इससे बच्चों पर बुरा असर जाता है और आगे चल के और गंभीर समस्याएं सामाजिक और स्वास्थ्य के लिए भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आज से और अभी से ये प्रतिज्ञा लीजिए कि टोबैको को मना करना है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। से नो टू टोबैको।